अगर आप बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट हो और एग्जाम देने के लिए जा रहे हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, तो आ गया है बिहार बोर्ड का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र। अब अपना जो है कि 60 में 50 मार्क फिक्स कर लो। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है, इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो 50 में 50 मार्क आप आराम से प्राप्त करोगे, गारंटी है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर पहला देखते हैं। कड़ाई की नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड सेट ए। तो देखिए सेट ए में जो है दो एलिमेंट हैं, तो कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होंगे। तो देखिए अगर किसी सेट में ए दो एलिमेंट है, तो क्या करना है कि 2 पावर 2 का स्क्वायर, यानी 2 पावर क्या हो गया, 4, यानी 16 बाइनरी ऑपरेशन होंगे। वहीं पर देख लीजिए अगर सेट में 3 एलिमेंट रहेगा, तो क्या करना है कि 3 पावर 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर हम 2 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, एन ए होल पावर एन ए क्रॉस एन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। आप अगर अभी तक कंबल ओढ़ के सोए हैं और कुछ नहीं पढ़ा है, इस वीडियो को देख लीजिए, पास हो ही जाएंगे। चलिए अब है कि एन ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पर एन ए है, डॉट डॉट है, इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए तो आ चुका है, तो क्या बचा है, एन बी। तो एन ए क्रॉस क्या होता है, एन बी होता है। उसके बाद अगला 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि एन ए बराबर 2 एन बी बराबर 3। तो एन ए क्रॉस बी का मान होगा, तो देखिए एन ए क्रॉस बी का मान होता है एन ए क्रॉस एन बी, यानी 2 गुना 3 6। तो देखिए यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे। ऑप्शन में आपको रहेंगे 6 भी रहेंगे, 8 भी रहेंगे, 10 भी रहेंगे। तो जिस ऑप्शन में 6 रहेगा उसमें टिक मारना है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि एफ इज इन्वर्सिएबल, मतलब एफ जो इन्वर्सिएबल नहीं होगा। तो अगर एफ 11 और 12 नहीं होगा तो वह इन्वर्सिएबल नहीं होगा। तो आप लोग जो बनाएंगे तो उसमें देख लेना है कि कहेगा कि आप इन्वर्सिबल नहीं है, तो जिसमें 11 12 नहीं होगा तो उसमें आपको टिक मारना है। अगला ऑब्जेक्टिव एफ इन्वर्सिबल होगा। तो देखिए अगर एफ इन्वर्सिबल होगा, एफ 11 और 12 हो, यानी एफ इन्वर्सिबल है, तो वो फाइनली 11 क्या होगा, 12 होगा। तो देखिए जिसमें 11 12 होगा उनमें टिक मारिएगा। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है कि सेट में रिलेशन लेस देन और ग्रेटर देन हो तो संबंध होगा। देखिए जैसे ही रहेगा कि लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए, तो देख लेना कि उसमें जो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा उसमें ही टिक मारना। तो लेस देन ग्रेटर देन वाले क्या होंगे, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन, जिस ऑप्शन में रहेंगे उसको टिक मार के आना। उसके बाद है कि एफ सच डेट एन टू एन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो ये 11 फंक्शन होंगे। 4 ऑप्शन है, 11 12 मैनी 1 नन ऑफ दिज, तो ये 11 फंक्शन आपको होंगे। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 9 एफ एक्स बराबर 3x+4, तो एफ इनवर्स एक्स का मान होगा। तो देखिए काफ़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इन्वर्स कहेगा निकालने के लिए फलन का मान दिया रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 जुट रहा है, तो एक्स में से 4 को क्या करना है, घटा देना है, और एक्स में जो गुना रहेगा उनसे भाग देके देख लेना है। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में आता है, देखिए सी में आता है। देखिए +4 था तो क्या हो गया, एक्स में -4 हो गया, एक्स में 3 गुना है तो भागा लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 2 ए तुल्यता संबंध की संख्या है, तो इसमें क्या होंगे, 8 होंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 देख सकते हैं कि एफ सच डेट ए टू बी एक अनाच्छादक फलन होगा। तो देखिए इनटू फंक्शन कहता है अनाच्छादक फलन, जो 1 2 नहीं होता है वह इनटू फंक्शन होता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, ए होगा, एफ ए सबसेट बी। अनाच्छादक फलन वह फलन होता है, मतलब बी में ऐसा एक एलिमेंट होता है जो एक किसी एलिमेंट का जो है इमेज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनाच्छादक फलन, इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी जो 1 2 फंक्शन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। तो इस ऑप्शन में लगा के आएंगे ये काफ़ी, देखिए ये ऑब्जेक्टिव भिविया है काफ़ी, उसके बाद ये है, और इन दोनों को देख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही। एफ सच डेट ए टू बी अच्छादक फलन होगा यदि, देखिए अच्छादक फलन होगा यदि एफ ए बराबर क्या हो, बी हो, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला ऑब्जेक्टिव 13 नंबर का देख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस एक्स का रेंज होगा, इनका रेंज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वन है और थ्री माइनस एक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो करेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, वन आएगा, और इसमें एक्स का मान क्या आएगा, थ्री। तो ऑप्शन ए इनका सही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव जो है कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, तो टू स्टार थ्री का मान होगा, तो टू स्टार थ्री का मान 14 होगा। तो करना क्या है कि टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन कर दीजिए, तो चार प्लस नौ प्लस एक, तो नौ चार तेरह एक चौदह हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का देख सकते हैं, कह रहा है कि ए बराबर एक दो तीन, आर बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, तो कह रहा है कौन रिलेशन होगा। तो सेट ए दिया हुआ है, इसमें तीन एलिमेंट हैं और इस पर एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं टू टू थ्री थ्री है, टू थ्री थ्री टू और थ्री वन टू वन। तो देखिए ये आपको रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये ओनली ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 16 कह रहा है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर हो, एक्स वन बराबर एक्स टू हो, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, तो एफ सच डेट ए टू बी कैसा फलन होगा। तो ये देखिए वन वन फंक्शन का डेफिनेशन ही है, तो ऑप्शन डी इनका सही होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर हैं, देख सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एफ एक्स बराबर यहाँ पर देख सकते हैं कि आठ एक्स क्यू और जी एक्स बराबर है एक्स पावर वन बाई थ्री, तो फोग का मान होगा, फोग एक्स का। तो फोग एक्स का जब आप मान निकालेंगे तो मान निकल के आएगा आपको आठ एक्स निकल के आएगा, ऑप्शन डी इनका सही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव 18 नंबर का एफ एक्स बराबर है कि थ्री माइनस एक्स क्यू होल पावर वन बाई थ्री, तो देन फोफ एक्स, फोफ एक्स का मान क्या होगा, जब मान निकालेंगे तो एक्स आएगा निकल के। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 19 यहाँ पर है कि कोस इनवर्स कोस एट पाई बाई फाइव, इनका मान क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, टू पाई बाई फाइव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे हैं कि कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो इनका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने में रहेंगे, तो जिसमें टू पाई बाई थ्री रहेगा उसी ऑप्शन में मारना है टिक। और यहाँ पर जो होने जा रहा है तो फाइनली ये ऑब्जेक्टिव आएगा ही, कोई काट नहीं सकता है। तो यहाँ पर है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू। तो ये तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, तो उसमें जिसमें रहेगा ऑप्शन में पाई बाई टू उसमें टिक मारना है, उस ऑप्शन वाले गोले को रंगना है। अगला ऑब्जेक्टिव कोस, अब देखिए साइन इनवर्स टू प्लस कोस इनवर्स टू का मान क्या होगा। देखिए ऊपर में फॉर्मूला हम बता चुके हैं, इनका मान पाई बाई टू होता है, तो कोस पाई बाई टू का मान जीरो होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 23 कह रहा है कि कोट इनवर्स टेन पाई बाई सेवन, तो देखिए इनका मान होगा फाइव पाई बाई फोर्टीन होगा, यानी पाँच पाई बाई चौदह होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 24 साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, तो इनका मान होगा आपको पाई बाई थ्री होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 25 टेन इनवर्स रूट ओवर थ्री माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट ओवर थ्री, तो इनका मान होगा माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। आप लोग ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे और जिस ऑप्शन में ये रहेगा उसमें टिक मारना है। ऑब्जेक्टिव नंबर 26 कोस इनवर्स कोस सेवन पाई बाई सिक्स, तो देखिए आंसर इनका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फाइव पाई बाई सिक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, उसके बाद टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू है, तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए इसका मान आपको जीरो होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 28 कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट ओवर थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, तो इनका आंसर होगा माइनस पाई बाई थ्री। ऑब्जेक्टिव नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं कि टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, तो इनका आंसर होगा आपको पाई बाई फोर होगा। जिस ऑप्शन में रहेंगे पाई बाई फोर उसमें आप टिक मार लीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणिक दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान एक होगा। चार ऑप्शन है जीरो एक चार नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन आपको बी होगा सही। अगला ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणिक दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी जो है ए पी में है। तो देखिए इस प्रकार के जैसे ही आएंगे आपको सारणिक, तो उनका जो जिस ऑप्शन में जीरो रहेगा तो उस गोले को रंग दीजिएगा,
इनका मान क्या होगा, जीरो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 32, कह रहा है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 33, ए बी होल पावर माइनस वन, तो क्या होगा, तो बी पावर माइनस वन इंटू ए पावर माइनस वन। इनको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 34, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कोई मैट्रिक्स है वह जो है आपको सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने में है, ए का मान जीरो होगा, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, और ऑप्शन सी है ए होगा और नन ऑफ दीज, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, ए बराबर जीरो। ऑब्जेक्टिव नंबर 35, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बराबर दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए ये मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऑप्शन बी इनका सही होगा, एम बराबर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे आ गया तो एम बराबर एन में ही टिक मारना है। अगला ऑब्जेक्टिव, इफ़ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए ये यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिया है और इनवर्स का जो मान होगा ये होगा, तो जिस ऑप्शन में ये मान रहेंगे उनमें टिक करना है। अगला ऑब्जेक्टिव कड़ाई की मैट्रिसेज ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर ओनली इफ, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होंगे, इनवर्स एक दूसरे के होंगे यदि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो, आई की प्राप्ति हो, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्राप्ति हो। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स ए बराबर दिया है वन टेन थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू वन एंड ए बी बराबर आई, देन बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ए पावर क्या होगा टी होगा। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तीन वर्स एग्जिस्ट, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स जब तक नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो उनका इनवर्स जो है नहीं निकलेगा, तो ए नॉन सिंगुलर है तो वह जीरो के बराबर नहीं होगा, तो दे देगा कि मैट्रिक्स ए जो है नॉन सिंगुलर है। चार ऑप्शन रहेंगे, ए बराबर डिटर्मिनेंट ए बराबर जीरो, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसी प्रकार से दो ऑप्शन और रहेंगे, तो किस में मारना है, इस ऑप्शन में मारना है। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 39, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, तो जिनका सारणिक मान जीरो होगा वह क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और इनका जो है इनवर्स नहीं निकलता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 40 कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए होल पावर एन। उसके बाद देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए पावर एन माइनस वन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 41, यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऑर्डर क्या हो थ्री क्रॉस थ्री हो, ऑर्डर क्या हो थ्री क्रॉस थ्री हो, तो देखिए इनका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखिए थ्री क्रॉस थ्री है तो के पावर तीन आएगा, अगर टू क्रॉस टू रहेगा तो के पावर क्या आएगा टू आएगा। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 42, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस थ्री देन एडजॉइंट ए, तो देखिए एडजॉइंट ए का जो मान होगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि इफ ए इज एन इन्वर्सिएबल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर टू देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा वन बटे डिटर्मिनेंट ए, जिस ऑप्शन में ये रहेंगे उसी में टिक मारना है। अगला ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारणिक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इनका जिस ऑप्शन में ये मान रहेंगे उसी में आपको टिक मारना है, उसी गोले को भरना है। देखिए एक्स वाई के एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई ए बी सी के फॉर्म में रहेंगे तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के फॉर्म वाले में टिक मारना है। यहाँ पर देख सकते हैं उस फॉर्म को भी हमने लिख दिया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 46 एक्स वाई जेड वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 47, यहाँ पर देख सकते हैं
कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आपको यहाँ पर सारणिक को देख सकते हैं और इतना के बराबर है। तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा, तो के का मान 2 होगा। जिस ऑप्शन में रहेंगे उसमें टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 48 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सारणिक का मान, इनका मान क्या होगा, तो इनका मान 0 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 49 देखिए, इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स दिए रहेंगे, तो कह रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, तो प्लस माइनस 3 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 49 तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि कोस एक्स, तो कोस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर 50, यहाँ पर डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, तो इनका मान आपको होगा 0, क्योंकि इनका मान पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्टिव और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग रट ही लीजिए। उसके बाद देखिए, डी बटे डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इनका भी मान 0 होगा, इनका भी मान 0 होगा, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 53, डी टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, तो इनका मान होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव नंबर 54, यहाँ पर है कि डी ए टू दी पावर एक्स बटे डी एक्स, तो इनका मान होगा ए टू दी पावर एक्स लॉग 2। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 55, यहाँ पर है कि डी लॉग साइन एक्स बटे डी एक्स, तो इनका मान होगा आपको कोट एक्स, जिस ऑप्शन में कोट एक्स रहेंगे उनको टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 56, वाई बराबर लॉग एक्स, तो देखिए इनका आंसर आपको होगा, इनका जब डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे तो होगा 1/x log x। ऑब्जेक्टिव नंबर 55, यहाँ पर है कि y बराबर देख सकते हैं e टू द पावर x प्लस, यहाँ पर जुटते जाएगा e पर पावर x प्लस e पावर x, ऐसे चलते गया, तो इनका जो है dy बाय डी एक्स होगा y बटे 1 - y। ऑब्जेक्टिव नंबर 56, तो यहाँ पर है डी ए पावर एक्स माइनस एक्स पावर एक्स डी एक्स, तो इनका आंसर होगा ए पावर एक्स लॉग ए माइनस एक्स पावर एक्स इंटू 1 + log x। उसके बाद है कि सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 1, तो डी ए बाई डी एक्स का मान होगा तो -2/1 + x² जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक मारिएगा। उसके बाद है कि इंटेग्रल ऑफ 1/√x डी एक्स, तो देखिए इनका जो है मान जिस ऑप्शन में रहेंगे 2√x + c, उसमें टिक मारिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 59, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a, x² dx, तो देखिए इनका मान होगा आपको bq - aq/3, जिस ऑप्शन में रहेंगे टिक मार लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 है तो क्या होगा, यहाँ पर 3 कर देना है, अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 4 यहाँ पर कर देना है, अगर यहाँ पर आपको 4 रहता है तो यहाँ पर बी पावर क्या होगा 5 होगा और ए पावर 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 60, इंटेग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इनका मान होगा आपको ए टू द पावर एक्स बटा लॉग ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 61, इंटेग्रल ऑफ √1 + cos x dx, तो इनका मान होगा 2√sin x/2 + c, तो जिस ऑप्शन में रहेंगे उनको टिक करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 61, इंटेग्रल ऑफ √1 + sin θ, तो इनका मान होगा 2 sin θ/2 - cos θ/2 + c। ऑब्जेक्टिव नंबर 62, अब देखिए इंटेग्रल ऑफ x⁵dx बराबर होगा x⁵6/6 + k, तो देखिए यहाँ पर 5 है तो क्या हो गया 6, अगर 6 रहेगा तो क्या होगा 7, यहाँ पर भी 7। इस प्रकार से आप अपना उसमें ऑप्शन में देख के टिक मार लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 63, यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, के होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 0 का इंटीग्रेशन के, जिसमें रहेगा के उसमें मारिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 64, 1/1 + x² dx, इनका क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के, इनका इंटीग्रेशन होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 65, इंटेग्रल ऑफ 1/√x² + a² dx, इनका मान होगा 1/a tan inverse x/a + k। ऑब्जेक्टिव नंबर 66, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 66,
अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है एक्स पावर फाइव डी एक्स। तो इनका मान होगा एक्स पावर सिक्स बाय सिक्स बी बाय ए। इनको सॉल्व करके निकालेंगे तो बी पावर सिक्स माइनस ए पावर सिक्स बटे सिक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 67 इंटेग्रल ऑफ ई टू द पावर लॉग ए। तो देखिए यहाँ पर ए है तो आपको निकल के क्या आ जाएगा ए। इनको छाँट देना है, इंटेग्रल नहीं होगा, ई पावर लॉग ए का मान ए होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 68 यहाँ पर इंटेग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो इनका मान होगा ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस के। ऑब्जेक्टिव नंबर 69 तो यहाँ पर है इंटेग्रल ऑफ वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होगा वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स बटा वो ए माइनस एक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 70 यहाँ पर है कि इंटेग्रल ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स। तो इनका सही मान आपको होगा लॉग एक्स प्लस के। जिस ऑप्शन में होंगे वहाँ पर आप टिक मारिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 71 इंटेग्रल ऑफ डी एक्स बट वन प्लस कोस एक्स। तो ये आपको बराबर होंगे टू टेन एक्स बाई टू प्लस के बराबर होंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 72 इंटेग्रल ऑफ वन डी एक्स बराबर होगा एक्स प्लस के। तो जिस ऑप्शन में रहेंगे उनमें टिक मारिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 73 तो इंटेग्रल ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं डी बटे डी एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो इनका मान होगा आपको लॉग एक्स प्लस के। जिस ऑप्शन में रहेंगे उनमें ठीक मारिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 74 तो देखिए आपको रहेगा अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स। तो इनको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट सी लोअर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स प्लस अपर लिमिट बी लोअर लिमिट सी एफ एक्स डी एक्स। जिस ऑप्शन में रहेंगे उसमें ठीक कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 75 अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा माइनस, देखिए लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं ना, लिमिट को चेंज करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें निगेटिव लग जाता है। तो पहले बी ऊपर में था तो बी नीचे में आ गया, ए नीचे में था ऊपर में चला गया, तो देखिए माइनस में हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 76 देख सकते हैं कि अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा जीरो होगा। कब होगा जीरो, जब एफ एक्स क्या हो ओड हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑब्जेक्टिव नंबर 77 अपर लिमिट ए रहेगा लोअर लिमिट माइनस ए रहेगा एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा टू इंटू अपर लिमिट ए लोअर लिमिट जीरो एफ एक्स डी एक्स। कब होगा, जब एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 78 तो यहाँ पर अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो लॉग कोस एक्स बराबर होगा माइनस। देखिए इन दोनों का जैसे अपर लिमिट पाई बाई टू रहेगा लोअर लिमिट जीरो रहेगा लॉग साइन एक्स डी एक्स या इस फॉर्म में रहे तो इनका मान हो क्या होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 79 अपर लिमिट ए लोअर लिमिट जीरो एफ एक्स डी एक्स इनका मान होगा अपर लिमिट ए लोअर लिमिट जीरो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 80 यहाँ पर अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट क्या है जीरो। अब देख सकते हैं कि ये रूट ओवर कोस एक्स डी एक्स बटे रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कोस एक्स इनका मान होगा पाई बाय फोर। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 81 अपर लिमिट वन है लोअर लिमिट जीरो है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इनका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ये होगा ई माइनस वन। जिस ऑप्शन में रहेंगे उनमें टिक कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 82 इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स डी एक्स तो देखिए इनका क्या होगा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 82 इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यू डी एक्स तो इनका मान होगा एक्स पावर फोर बाई फोर प्लस के। ऑब्जेक्टिव नंबर अब देख सकते हैं इसी फॉर्म में एक्स पावर फाइव डी एक्स रहेगा तो एक्स पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस के होगा, सिक्स रहेगा तो सेवन होगा, सेवन होगा तो एट होगा। यहाँ पर हम अन एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, किसी इस प्रकार का किसी भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उनका जो ये यहाँ पर हम मान बताएं जैसे छः है तो सात कर देना है। जिस ऑप्शन में रहेंगे खोज करके आप लोग टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 83 कह रहे कि दो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस इन टू ऑर्डिनेट्स एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर एक। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी होगा वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। जिस ऑप्शन में रहेंगे उसमें टिक मारेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 84 तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो डी पर जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होता है ऑर्डर होता है। तो देखिए डी पर पावर क्या है दो है तो
आपको ऑर्डर क्या होगा, दो। यहाँ पर डी पावर वन है तो ये वन नहीं लेना है, मतलब मैक्सिमम डी पर जो मैक्सिमम पावर है वही लेना है, और जिससे आपको ऑर्डर फाइंड होता है उस पर देखना है कि पावर क्या है। तो इस पर पावर क्या है, एक है, तो वही क्या होता है, डिग्री होता है। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन 85 में तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे कि डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू होल पावर 2 माइनस 3 इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए इनका आपको ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। डी पावर सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3, और इस पर पावर क्या है, 2। तो ये आपका डिग्री हो गया। उसके बाद ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, यानी हाईएस्ट डी का जो है हाईएस्ट पावर। उसके बाद डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 88 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जब डी वाई बाई डी एक्स रहेंगे और इस प्रकार से आपको रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से रहेंगे, तो इनका मान होगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यू बाय 3 इक्वल टू के। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 89 यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 है, तो इनका बराबर ई पावर एक्स प्लस वाई है, तो आंसर होगा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर सी होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 90 इफ़ ई टू द पावर पी डी एक्स। देखिए ये क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, तो समाकलन गुणक जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 91 ई टू द पावर लॉग एफ एक्स। तो देखिए लॉग छंट जाएगा और एफ एक्स बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद 91 डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। देन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ये पर देख सकते हैं, ये इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, ये आपको होगा, तो यहाँ पर ये आई आपका मान हो जाएगा ई टू द पावर पी डी एक्स, और इनका जो फॉर्मूला होगा ये होगा वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस के होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 92 डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो देखिए इस प्रकार से जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे तो होगा आपको आंसर ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई बराबर के। ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 93 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स, तो बराबर आपको क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे और इनका जो है कि आई एफ निकालना है, तो ये आपको होगा ई टू द पावर 10x। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से दिए रहेंगे, तो इसका आई एफ क्या होगा, ई टू द पावर 10x। जिस ऑप्शन में रहेंगे उसमें टिक मारेंगे। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 94 यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, तो इनका आंसर होगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 3k। उसके बाद ये आपको होगा प्लस सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 95 डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स रहेगा, तो ये आपको रहेगा, इनका जो आंसर होगा वाई बराबर के एक्स। जिस ऑप्शन में रहेंगे उनमें टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 96 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स 10x, तो इनका आई एफ जो होगा सेक एक्स प्लस 10x होगा। जिस ऑप्शन में रहेंगे उनमें टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 97 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y बराबर 2x की ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ऑर्डर इस पर एक है, डी का पावर एक है, तो ऑर्डर एक हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 98 इनका है कि यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर पावर होल क्यू माइनस 4 डी वाई डी एक्स बराबर 2, तो डिग्री क्या होगा, तो देखिए ये पावर 3, ये डिग्री आपको हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 99 ऑब्जेक्टिव नंबर 99 है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है एक्स बटे वाई। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर के। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 100
तो ऑब्जेक्टिव नंबर 100 में आप देख सकते हैं यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका समाकलन गुणांक का जो मान होगा वो आपको होगा ए टू द पावर 10x। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 101 और है कि पोजिशन वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड। देखिए पॉइंट एक्स वाई जेड है तो पोजिशन वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 102 कह रहा है कि पोजिशन वेक्टर ऑफ 4 5 6। तो देखिए एक्स वाई जेड था तो एक्स वाई जेड हुआ था, उसी प्रकार से 4 5 6 है तो 4 5 6 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 103 तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका कह रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा अब देखिए आई जे के का जो कंपोनेंट है इनको वर्क करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकालिए, वही इनका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, उसके बाद परिमाण होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 104 यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 2i-3j+k। तो देखिए आई जे के का कंपोनेंट क्या है, आई का कंपोनेंट 2 है, जे का -3, के का 1 है, वर्क करके जोड़िए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9, 1 का 1 रूट ओवर 14 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 105 ओ ए यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर एक x1i+y1j+z1k और ओ बी का मान दिया है, तो ए बी क्या होगा तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं x2-x1 into i vector + y2-y1 into j vector + z2-z1 into k vector। ऑब्जेक्टिव नंबर 106 यहाँ पर वेक्टर ए बराबर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, वेक्टर बी का भी मान दिया हुआ है, तो देखिए दोनों का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, तो आई जे के इसमें भी है आई जे के, इनके जो है रेशियोज को गुणा करके जोड़ देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 107 वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, कब होगा जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो हो जाए तो ये क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 108 यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे, यदि आपको वेक्टर ए बराबर हो एम बी वेक्टर। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 109 तो देखिए दो सेम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई डॉट आई यानी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, वही दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। याद रखिए दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 1 होता है, वहीं दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, यानी डॉट होगा 1 और क्रॉस क्या होगा सेम का 0। उसके बाद देख सकते हैं कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर क्या होगा जी 0। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 112 इन देखिए इनसे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का मान निकाल सकते हैं, जैसे आई क्रॉस जे जैसे इस प्रकार से घूमना है, यहाँ पर आपको क्या हो गया आई ये यहाँ पर हम ले लेते हैं वेक्टर जे, यहाँ पर क्या हो गया वेक्टर के। जब आप इधर घूमेंगे जैसे ये दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में लाएंगे तो ये वेक्टर प्राप्त होगा, अगर इनको इनको क्रॉस प्रोडक्ट में लाएंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप इस साइड में घूमेंगे जैसे जे वेक्टर यहाँ पर हो गया आई और क्रॉस वेक्टर होगा के तो माइनस जे प्राप्त होगा, आपको माइनस जे प्राप्त होगा। तो वही है कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर होता है के, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर होता है आई, उसके बाद के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर होता है जे। ऑब्जेक्टिव नंबर 113 यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज, देखिए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 100 होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 010 होता है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 001। और ऑब्जेक्टिव नंबर 114 कह रहा है कि दो सरल रेखाओं का दिक अनुपात एल एम एन
और एंड एल टू एम टू एन टू हो, तो देखिए परस्पर लंब होगी जब इनके डायरेक्शन, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन का योग क्या हो जाए, जीरो। और वहीं पैरेलल होगी जब इनके रेशियो जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 115, डायरेक्शन रेशियोज, अगर आपको ए बी सी हो तो डायरेक्शन कोसाइन होगी, तो डायरेक्शन कोसाइन होगी ए बटे रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, और बी बटे क्या होगा रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, और सी बटे क्या होगा रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 116, कड़ाई की एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो, तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो एक्स माइनस अल्फा बटे एल, वाई माइनस बीटा बटे एम, जेड माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा जेड माइनस गामा बटे क्या होगा एन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 117, यहाँ पर देख सकते हैं कि 7x प्लस 3y प्लस 8z प्लस 6 बराबर 0, तो डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज आपको होंगे 7, 3, 8। अब देखिए 7 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 118, कड़ाई की एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1 हो, हाँ तो देखिए एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 119, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई माइनस प्लेन इज जेड बराबर 0, तो देखिए एक्स वाई प्लेन में जेड का मान क्या होता है, 0 होता है, वहीं इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन होता है आपको एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1 होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 121, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 122, यहाँ पर वेक्टर आर इंटू वेक्टर एन बराबर डी होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 123, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर होता है ए बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार से एम बराबर होगा बी बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर होगा आपको सी बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए रहेंगे, परपेंडिकुलर होगा यदि उनके गुणनफल का योग क्या हो, जीरो हो जाए, पैरेलल होंगे जब उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में इक्वल हो। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 125, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के बराबर क्या हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के बराबर 0। ये आपको जो है कि इक्वेशन इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 126, ये सब आपको जो है कि हिसाब बनाने के लिए क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, तो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म का होता है एक्स माइनस एक्स वन बटे एल बराबर वाई माइनस वाई वन बटे एम, जेड माइनस जेड वन बटे एन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 127, एक्स माइनस एक्स वन बटे एल, अब देखिए वाई माइनस वाई वन बटे एम बराबर जेड माइनस जेड वन बटे एन इज पैरेलल, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है कि प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, देन तब क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन इस प्रकार से रहे, एक इक्वेशन इस प्रकार से रहे, तब होता है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0। जिस ऑप्शन में रहेंगे उसमें टिक मार देना है, ये जिस ऑप्शन में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 128, कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव नंबर 129, पैरेलल होंगे तो क्या होंगे मॉडुलस ऑफ डी टू माइनस डी वन बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव नंबर 129, डायरेक्शन रेशियोज लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन जो है रेशियोज आपको लाइन का दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज लाइन ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर आपको पॉइंट ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं और इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, तो डायरेक्शन रेशियो जब आप इस लाइन का निकालेंगे तो करेंगे क्या कि एक्स टू में से एक्स वन को घटाएंगे और वाई टू में से वाई वन को घटाएंगे, जेड टू में से जेड वन को घटाएंगे, तो देखिए आपको इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स टू माइनस
एक्स वन या एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वाई वन माइनस वाई टू एंड जेड वन माइनस जेड टू, या इनको लिख सकते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन या जेड टू माइनस जेड वन। ऑब्जेक्टिव नंबर 130, यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, एक। काफ़ी एक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 131, साइन स्क्वायर अल्फा जोर साइन स्क्वायर बीटा जोर साइन स्क्वायर गामा बराबर टू। ऑब्जेक्टिव नंबर 132, ए इंटू देख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर आपको होता है मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी कोस थीटा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 133, अब देखिए मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा। ऑब्जेक्टिव नंबर 134, देखिए तो ए और बी वेक्टर ए पैरेलल होंगे वेक्टर बी, तो इनका कंडीशन देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे। तो देखिए ये पैरेलल आपको कब होंगे, जब इनका गुणनफल का मान आपको जीरो होगा, इनका गुणनफल जैसे वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपको क्या हो जाए जीरो, तो ए और बी वेक्टर क्या होंगे, ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो हो जाता है, तो इसलिए इनका क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, और डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं लंबवत होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 135, कोस थीटा बराबर आपको होता है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। ऑब्जेक्टिव नंबर 136, साइन थीटा बराबर आपको देख सकते हैं यहाँ पर होता है रूट ओवर एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन होल स्क्वायर प्लस एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन होल स्क्वायर प्लस एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन होल स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव नंबर 137, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो देखिए वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है, तो देखिए जिस पर प्रोजेक्शन होता है उनके मॉडुलस से हम भाग देते हैं, उनके परिणामी से हम भाग देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस वेक्टर बी। तो ये यहाँ पर जो मॉडुलस होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, इनका परिमाण होता है। और ऑब्जेक्टिव नंबर 138, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 139, तो एक ऑब्जेक्टिव नंबर 39 देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड है, एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा तो एक्स वन और एक्स टू को जोड़ करके दो से भाग दीजिए, वाई वन और वाई टू को जोड़ के भाग दीजिए, मिड पॉइंट इस फॉर्म में होगा। तो ये सब मान निकालने के लिए आपको पॉइंट का मान दिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 140, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन का इक्वेशन दिया है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 7, 4 और माइनस टू होंगे, 7, 4 माइनस टू। अब ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर 14 देख सकते हैं, 2 - 3 - 1 से तल 2x - 3y + 6z + 7 बराबर जीरो, तो d का मान आप देख सकते हैं ये 14/√ क्या होगा 49 होगा, तो ये 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 7 × 2 = 14 आंसर 2 आएगा। वहीं 142 में यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर a का परिमाण दिया है रूट ओवर जो है 26 है, वेक्टर b का परिमाण 7 है, और a क्रॉस वेक्टर b का परिमाण जो है मान क्या होगा, तो इनका परिमाण आपको ये यहाँ पर दे ही दिया है क्वेश्चन में 35 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 7 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 143, तो देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिणामी क्या होगा, तो ये जो होगा आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b के परिणामी के बराबर होगा, कब होगा जब a और b लंबवत हो। ऑब्जेक्टिव नंबर 144 कह रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर जीरो हो, तो देखिए तो आंसर क्या होगा वेक्टर a
क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 145। तो उसके बाद देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 145 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो देखिए वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 146। तो देख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर, तो ये आपको होगा वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 147। तो यहाँ पर है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, तो देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 148। अब देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो वेक्टर ए बाय बी बराबर होता है यहाँ पर पी ए बटा बी, सॉरी वेक्टर हमने बोल दिया पी ए बटा बी, तो पी ए बटा बी हो बराबर होगा आपको पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अब देखिए 149 पी ई बराबर, तो पी ई बराबर होगा एन ई बटे एन एस। तो पी ई बराबर एन ई बटे एन एस हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 150 ए बी सी, तीन स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए क्रॉस पी बी क्रॉस पी सी होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 151 है कि पी ए का मान 3/8 हो और पी बी का मान 1/2 हो, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 हो, तो पी ए यूनियन बी बराबर आपको क्या होगा 5/8 होगा यह आंसर। ऑब्जेक्टिव नंबर 152, यदि पी ए बराबर आपको 3/8 हो पी बी बराबर 1/2 हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 1/4 यानी पी ए बटे बी। ये यहाँ पर आपको पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, तो कह रहा है कि पी ए बटे बी का मान होगा पी ए 1/2 होगा। 153 का ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी नोट बराबर होता है पी ए इंटू पी बी नोट होता है। वहीं 154 का देखिए पी ए का मान 3/8 हो पी बी का मान 1/2 हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 1/2। और देखिए तो पी ए यूनियन बी का मान होगा 3/8 यानी 3/8 होगा। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 155 ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो, तो देखिए ए और बी जब दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए यूनियन बी का मान होगा 1 पी ए नोट इंटू पी बी नोट। ऑब्जेक्टिव नंबर 156 3/7 का संयोगानुपात 4:3 हो, देखिए 3/7 का संयोगानुपात क्या होगा 4:3 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 157 कड़ाई की जोड़ा पासा फेंका जाता है, तो दोनों पर सम आने की सम अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है, तो वो होगा आपको 1/36। ऑब्जेक्टिव नंबर 158 पी ए का मान 3/8 है पी बी का मान 1/3 है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है, तो कह रहा है कि पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का मान होगा 13/24 होगा। वहीं 159 में देखिए पी ए का मान 3/8 है पी बी का मान 1/2 है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको 1/4 है, तो पी पी नोट बटे ए नोट का मान होगा 3/5 होगा। वहीं 160 देखिए पी बी बटे ए का मान 1 है, और तब देखिए अगर ए नीचे में है तो ए क्या होगा सबसेट होगा। अब देखिए वहीं 161 में पी ए का मान 3/8 है पी बी का मान 1/3 है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है, तो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का मान 13/24 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 162 पी ए बराबर 3/8 हो पी बी बराबर 1/2 हो,
तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, एक बटे चार होगा, चार है तो पी ए नोट बटे बी नोट का मान होगा 3/4। ऑब्जेक्टिव नंबर 163, पी बी बटे ए का मान एक हो तो आपको क्या होगा, ए सबसेट होगा पी होगा, यानी जो नीचे में होता है वो सबसेट हो जाता है। 164 का मान देखिए, ये 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो इसकी इक्का होने की प्रायिकता है, तो 1/13 होगी। ऑब्जेक्टिव नंबर 164, यहाँ पर मोडलस, यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये आपको होगा बराबर मोडलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए और बी के बीच का कोण आपको पाई बाय 4 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 165, पी ए का मान 3/8 हो, पी बी का मान 5/8 हो, तो पी ए यूनियन का मान, पी यूनियन बी का मान 3/4 हो, तो पी ए बी बटे ए का मान जो आपको होगा, जो आपको होगा 2/3 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 166, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको होगा पी बी इंटू पी ए बटे बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 167, पी ए यूनियन बी बराबर होगा 1 - PA PB नोट। ऑब्जेक्टिव नंबर 166, पी ए नोट इंटरसेक्शन पी बी नोट, ये देखिए सॉरी, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट बराबर होगा आपको पी ए यूनियन बी होल नोट बराबर होगा आपको 1 - PA यूनियन बी। इसी प्रकार से ये होते जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इतना मान आपको निकल के आएगा 167 का, पी ए बटा बी प्लस पी ए नोट बटा बी बराबर 1 होता है, 168 का पी ए यूनियन बी बटा सी हो, तो इनको हम लिख सकते हैं पी ए बटा सी प्लस पी बी बटा सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी। 169 का ए और बी सेम इवेंट सैम्पल स्पेस में हो तो पी एस बटा ए बराबर 1 होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 70 को देख सकते हैं, 170 को, पी ए यूनियन बी का मान आपको ये होता है, ए और बी आपको इंडिपेंडेंट होंगे यदि पी ए यूनियन बी बराबर होगा 1 - PA नोट × PB नोट। 172 का पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। 173 का देख सकते हैं इनका ये फॉर्मूला होगा, उसके बाद 174 का देख सकते हैं ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए पी ए बटे बी का मान एक होगा जब ये आपको इस कंडीशन में रहे। 175 का आप देख सकते हैं पी ए बटे बी ये आपको ग्रेटर होगा पी ए से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 176 देख सकते हैं, एन बराबर 2 है तो बेस थ्योरम क्या होगा, इस प्रकार से होगा। अब उसके बाद देख सकते हैं कि ए वन ए टू ए एन दिया हुआ है तो पी ए के बटे ए का मान आपको ये होगा। तो इस प्रकार से फाइनली आपने सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिया, आपने इन सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख लिया, तो फाइनली आप 60 में जो है 50 मार्क अपना फिक्स करके ही आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।